और ओ माय गॉड, मेरे पूरे महीने का सैलरी खत्म हो गया था, अब कुछ नहीं बचा। तो हम लोगों के साथ स्कैम हो गया यार। मैं तो थक गई। क्यों? क्योंकि अंकित अपना कंपनी बचाएगा। अंकित पहली बार ऑफिस जा रहा है। बहुत हो गया, मतलब मुझे लगता है मेरे पास भी इतने कपड़े नहीं है अब जितने अंकित के पास कपड़े हो गए। शॉपिंग करने, और ये शॉपिंग थोड़ा स्पेशल शॉपिंग है। क्यों? क्योंकि अंकित एक्चुअली बैंगलोर जा रहा है, कल उसका फ्लाइट है। और अंकित पहली बार, अंकित को जॉब करे हुए काफ़ी टाइम हो गया और एक्चुअली अंकित पहली बार ऑफिस जा रहा है। नाउ हाउ इज़ दैट पॉसिबल? क्योंकि जब से हमने अपना MBA कम्प्लीट किया है ना, तब से वो, मैं भूल जाती हूँ ना, मैं ऐसे ब्लॉग बनाते बनाते इसलिए मैं वॉइस ओवर देती हूँ, तो तब से वो कभी ऑफिस नहीं गया क्योंकि उसको वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो अंकित अभी पहली बार ऑफिस जाने वाला है, तो अंकित के ऑफिस के कपड़ों के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। हम ऑटो से जा रहे हैं, चलो। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे और हम ऑटो से जाने लगे गौर सिटी मॉल, जो कि हमारे घर से 5 से 7 मिनट ही दूर है मैक्स, एंड इट इज़ अ ऑसम प्लेस फॉर छोटा मोटा शॉपिंग। हम पहुँच चुके हैं गौर सिटी मॉल और बहुत ज़्यादा धूप है। मेरा तबीयत भी नहीं ठीक है, मेरा आवाज़ से भी पता चल रहा है, क्योंकि मतलब मैं मेडिसिन खा के चल रही हूँ जस्ट बिकॉज की शॉपिंग करना है, ज़रूरी है, पहली बार ऑफिस जा रहे हैं अंकित, दैट्स व्हाई हम ये, और देखो लैपटॉप देके भी घूम रही हूँ, ऑफिस का भी काम है, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के आए हैं। आई होप आवाज़ आ रही होगी। हम लाइफस्टाइल से ख़रीदेंगे। क्यों? क्योंकि अंकित अपना कंपनी बचाएगा। तो यहाँ पे एक सीक्रेट, ये ब्लॉग में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। तो अंकित काम करते हैं लैंडमार्क ग्रुप में, लैंडमार्क ग्रुप का ही लाइफस्टाइल मैच ये वो होता है। तो अंकित इज वेरी लॉयल टू हिज कंपनी, वो हमेशा लैंडमार्क, मतलब कि लैंडमार्क का जो होता है जैसे लाइफस्टाइल मैक्स होम सेंटर, चाहे महंगा भी पड़े वहीं से खरीदना है जस्ट बिकॉज कि वो लैंडमार्क का है इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं लाइफस्टाइल, आई नीड टू सी एक और। पर्सनली मुझे शॉपिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बीइंग अ लड़की आल्सो, मैं कभी कभी सरोजनी चली जाती हूँ, कभी कभी ऑनलाइन देख लेती हूँ। बाकी मैं जब मेरे अपना घर जाती हूँ वेस्ट बंगाल में, तब मैं खरीदती हूँ, और बॉयज सेक्शन का तो बिल्कुल पता ही नहीं है। सो वहाँ पहुँचते अंकित और अभिषेक एकदम फुल कैलकुलेशन के साथ शॉपिंग करने लगे, कॉलर वाला चाहिए, बिना कॉलर वाला चाहिए, कॉटन वाला चाहिए, कौन सा कलर वाला चाहिए, किस दिन क्या पहनना है, पूरा कैलकुलेशन के साथ शॉपिंग वहीं से शुरू हो गई हमारी। अंकित ये मुझे देके चले गए, ये दो पास हो गए, अभी गए पिंक में, कुछ चल रहा है थॉट प्रोसेस। बाकी हमने पोलो टी शर्ट तो ले लिए, शर्ट लेना है, उसके बाद पैंट लेना है, आई थिंक कुछ शूज़ लेने हैं, मतलब बेसिक हमें ऑल ओवर ऑफिस जाने का पूरा वार्डरोब लेना है अंकित के लिए। मुझे भी शॉपिंग करने का मन तो कर रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा, पर मुझे ना एक टी शर्ट बहुत पसंद आया, मैं दिखाती हूँ। सो मैं घूमते फिरते अपने लिए कुछ देखने लगी, पर इतने में मुझे मेरे ऑफिस का काम आ गया। आ गया मुझे ऑफिस का काम, वहाँ पीछे दिख रहा होगा, जूम आउट जूम करने की कोशिश कर रही थी। अंकित ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मैं कुछ काम कर लेती हूँ ऑफिस का। सो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स करने थे, तो मैं मस्त अपना लैपटॉप लेके आई थी, अपने फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट करके वहीं पे काम करने लगी। और अंकित बेचारा थोड़ा परेशान हो रहा था क्योंकि कुछ हमें शर्ट्स वगैरह चूज़ करने थे, बट मैंने देखा कि काम चल रहा था, तो मैंने भी यहाँ अपना काम फटाफट ख़त्म किया और आई अगेन जॉइन देम। मैं अपना जुगाड़ करने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे पेस्टल टी शर्ट्स दिखे, यूनिसेक्स, और मैं ये लेने वाली हूँ। 3 टी शर्ट अगर आप खरीद रहे हो तो 300 रुपये का ये है एक। ट्रस्ट भी मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की कि शॉपिंग ना करूं, अंकित के लिए शॉपिंग करने आए हैं, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई ये सारे पेस्टल टी शर्ट्स देख के। तो आई स्टार्टेड शॉपिंग, 3 टी शर्ट ली मैंने, फिर मैं डर रही थी कि क्या पता इन लोगों का बिलिंग वगैरह हो ना गया हो, पर जाके देखा कि अंकित का शॉपिंग चल रहा था, तो मैं गई और अपने पसंद से टी शर्ट्स ले ही ली। मैंने अपना लैवेंडर नहीं, एक डीप ब्लू कलर का कुछ था, उसको चेंज करके ब्लू ले लिया। ये लोग अभी बिलिंग करवा रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग हो गई, पर इसके बाद हम शॉपर स्टॉप जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे हमें लिवाइज की जीन्स का एक साइज़ नहीं मिला। ये है फाइनली लाइफस्टाइल से हमें जो जो लेना था वो हमने ले तो लिया, पर बिलिंग करते टाइम हमें पता चला कि हमारे साथ तो ट्रेजेडी हो गई।
तो हम लोगों के साथ स्कैम हो गया यहाँ पे। हम आए थे अंकित का एम्प्लॉय कोड का कुछ तो भी जो बोनस मिलता है या डिस्काउंट मिलता है उसका मजा उठाने, बट आज फाइनेंशियल ईयर एंड है इसलिए डिस्काउंट ही नहीं है। एंड कल से लेके 4 तारीख तक फ्लैट 40% ऑफ है, बट एक्चुअली हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम आज अगर मतलब कल सुबह 7 बजे अंकित का फ्लाइट है, तो अगर टाइम होता तो हम ऐसे करते कि कल आ जाते, कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता, कुछ 9,000 का बिल बनाया, कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता। बट क्या कर सकते क्योंकि कल अंकित पहुँचेगा, कब शॉपिंग करेगा, यहाँ हमने इतना टाइम लगा के इतना चूज़ करके खरीदा है, वहाँ शायद वो अकेला इतना खरीदेगा भी नहीं, तो हमने फिर बिना डिस्काउंट के खरीद लिया। देखो कितना सारा बड़ा सा पैकेट मिला है हमें, ऐसे करके मैं फोटो खींचूंगी, वही मैं थंबनेल में डालूंगी। एक बार बताइए क्या हुआ, पैंटालूंस पे ना कुछ ऑफर चल रहा था 50% ऑफ का, हम सबने सोचा कि और कुछ लिमिट था 10,000 का खरीदोगे तो हमने 4-5 लोग आए, सोचा कि 4-5 लोग मिल, 4-5 नहीं, 3-3, 2-3 10,000 का खरीदेंगे और डिस्काउंट ले लेंगे। और उस दिन हमने आई थिंक 40,000 का कुछ शॉपिंग कर लिया था और ओह माय गॉड मेरे पूरे महीने का सैलरी खत्म हो गया था। लाइफस्टाइल का चैप्टर खत्म हुआ, अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, शायद खाने के बाद थोड़ा शॉप स्टॉप जाएंगे क्योंकि हमें पैंट लेना है, हमने बहुत सारे टॉप्स मतलब कि शर्ट्स ये वो ले लिया है, एंड अभी हम लेंगे पैंट्स। पैंट्स लेने से पहले हम खाएंगे कुछ और फिर देखते हैं। पर मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि लड़कियों का सेक्शन साथ में होता तो कुछ तो भी 8,700 का बिल बना है, मैं 10-12,000 का तो बना ही देती। ये गलत बात है, मतलब मुझे लगता है कि मुझे एक मेल करना चाहिए कि लड़का और लड़कियों का सेक्शन साथ में रखो, इससे तो शॉपिंग बनेगी, क्योंकि मैं बीच में बोर हो रही थी, मैं हेल्प कर रही थी, फिर भी मुझे कुछ यूनिसेक्स टी शर्ट्स मिल गए थे तो मैंने उठा ही लिया, बट लड़कियों का सेक्शन होता तो पक्का मैं कुछ ले ही लेती। पिज़्ज़ा हट में कुछ ऑफर चल रहा है तो हमारा मन था घर जाके पिज़्ज़ा खाने का, तो अभी हम आए हैं फूड कोर्ट और हम खाने वाले हैं, मैं तो बर्गर खाऊँ, आई एम वेरी सॉर्टेड। सो मैं सॉर्टेड इसलिए थी क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, बिकॉज वी वेर हैविंग वेरी लेस टाइम, तो हम बेसिक बर्गर किंग चले गए और वहीं जाके फ्राइज और बर्गर और कोक और यही वो सब ऑर्डर कर लिए। ऑर्डर नंबर हमारा है 208, हमने लिया है चिकन बर्गर, 1 BK चिकन पेप्सी मील, 1 BK चिकन कोल्ड कॉफी मील, साथ में डबल चीज समथिंग समथिंग, बहुत गुड, मुझे चीज पसंद है। छोटा बच्चा अभी गिरने वाला था। हमारा 208 ऑर्डर है, पता नहीं 209 प्रिपेयर होने लगे। आई एम हंग्री, सुबह से मैंने ब्रेड खाया, बहुत ज़्यादा मतलब कि ना भूख लग गई। वी ऑल वेर सो हंग्री कि हम सब बैठ गए वेट करते रहे, ना हमारा बर्गर आ रहा था ना हमारा बर्गर बन रहा था। मुझे तो लगता आधा घंटे निकल गए, हमारा बर्गर अभी भी नहीं आया, फिर मैं जाके बोलने लगी तो कुछ तो भी मिसअलाइनमेंट हो गया था जो कि हमारे साथ हमेशा होते रहते हैं। अभी भी हमारा बर्गर दुकान पे दवाई लेने भी जाए ना, ऐसा आज तक जिंदगी में हुआ ही नहीं कि कुछ सही से हो। नॉर्मल सीधा, देखो आज हम शॉपिंग करने गए डिस्काउंट ही नहीं चला, बर्गर खाने आए ऑर्डर ही नहीं बनना स्टार्ट हुआ, कल से 40% का डिस्काउंट है, बताओ कल से 40% का डिस्काउंट। फाइनली 100 घंटे बाद एक तो हमारा बर्गर लेट आया, ऊपर से बर्गर आते ही मुझे एक कॉल आ गया, सारा कॉल अटेंड करते करते मैं जब वापस आई देखा कि सब कुछ खत्म, मैं अपना एक बर्गर बचा था खाने लगी उसमें से भी अंकित ने खा लिया, मतलब किस्मत मेरी। खाना पीना डन और अब हम जा रहे हैं पैंट्स खरीदने, चिनोज जीन्स
पेट मोटा हो गया मेरा, ऐसा लग रहा है मुझे। बर्गर फ्राइज और पता नहीं क्या क्या खा के थक गई मैं मेडिसिन भी नहीं लेके आई। आ गए शॉपर्स स्टॉप में, बैग सबमिट करना है क्या? अभी हम आ गए शॉपर्स स्टॉप में लिवाइस का जीन्स और चिनोज देखने, देखते हैं कैसा है। क्या हम लोग का शॉपिंग खत्म हुआ? नहीं, नॉट येट। और क्या लेना है? चिनोज एंड हाफ पैंट्स और टी-शर्ट्स। टी-शर्ट लेना। टी-शर्ट कहाँ से? लाइफस्टाइल। तो डिकैथलॉन से? डिकैथलॉन से। शॉपिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, हम लेंगे चिनोज शॉर्ट्स टी शर्ट्स, मतलब बाहर पहनने के कपड़े लेना ख़त्म हुआ, अब घर में पहनने के। हाँ बताओ, घर में पहनने का खरीदना। जीन्स लेना हो गया, अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं चिनोज लेने, आई थिंक मैक्स जाएंगे, उसके बाद हम डिकैथलॉन जाएंगे। और मेरा गला ख़राब हो रहा है। तो हमारा अभी का डेस्टिनेशन है मैक्स, हम आए हैं मैक्स फैशन में। मैक्स इज अगेन लैंडमार्क कंपनी, हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं लैंडमार्क के कंपनीज में जाके। ऐसे समर का इतना अच्छा कलेक्शन आ रहा है ना बॉयज़ का, अंकित पहनता नहीं है फ्लोरल फ्लोरल, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है कुछ कुछ फ्लोरल टाइप के टी शर्ट। क्या लेना है चिनोज पूछ लो ना। ट्रस्ट मी, अब तक अंकित ने बहुत शॉपिंग कर ली, लाइक बहुत, मतलब कुछ बचा नहीं था, बट इतने में मैं भी अपना सेटिंग करने लगी। ये वाइट शूज़ मुझे बहुत ज़्यादा, शूज़ मतलब हील्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, एंड थ्रू आउट द टाइम आई वाज लाइक लूना 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 लूना। आज टू मच हो गया, हम सब थक गए, ऐसा हंसा वाला हो गया। Oh my God, मतलब जिस दिन हम जो करते हैं ना एक्सट्रीम लेवल पे कर लेते हैं, मतलब शॉपिंग हम करते नहीं है तो करते ही नहीं है, जिस दिन कर लिया तो मतलब इतना ज़्यादा कर लिया। मैंने भी एक शू लिया है, मतलब हील्स लिए हैं, पर उसका वो थोड़ा ऐसे अजीब सा था, तो मैंने कहा कि फ्रेश पीस चाहिए, तो हमने अभी बिलिंग होल्ड करवा दिया है। हमारा पेशेंस ख़त्म हो गया है, मैं थक गई, सब थक गए, बस अब कुछ बचा, अब कुछ नहीं बचा, अब बस मेरा शू आना है। अगर फ्रेश पीस है तो है, नहीं है तो वही ले लेंगे जो है। उसमें थोड़ा सा ना वो एक्चुअली वाइट कलर का है तो थोड़ा साफ नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया, मतलब अभी चेक करवाने के लिए भेजे, लेट्स सी कैसे होता है। सो ये है वो शू, मतलब सॉरी हील, एंड इट इज सो प्रिटी। और जितना टाइम जा रहा था मैं चीज़ें उठाने लगी, तो मैंने एक नेल पेंट भी उठा लिया, जितने में बिलिंग हो रही थी ना उतने में मैंने बहुत सारा कुछ ले लिया था। हमने आज बहुत सारी शॉपिंग की, मैंने भी एक्चुअली बहुत सारी, बस ये अभिषेक ने कुछ नहीं लिया, अभिषेक इज लाइक कि दो तीन महीने में तो अंकित भैया वापस आ ही जाएंगे, फिर तो सब कॉमन हो ही जाएगा। पर मैंने तीन चार टी शर्ट्स लिए हैं, एक हील्स लिया है, पैंट में मुझे ट्रायल करने का मन नहीं था तो मैंने इसलिए कुछ नहीं लिया। बाकी यहीं पे ये व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर दिन हम बहुत सारा फन करते रहते हैं, तो मज़ेदार रहेगा आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे और मेरे व्लॉग्स देखोगे तो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर करने लाइक कुछ है नहीं इस वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।